बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री निवास पहुंचे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी सीएम हाउस में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद हैं सीएम हाउस में। तो ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम जैसे ही रायपुर में पहुंचे, उसके बाद उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार भव्य स्वागत सत्कार किया और अब पहुंचे हुए हैं सीएम हाउस, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात हो रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी सीएम हाउस में मौजूद हैं। तो बधाई देने का सिलसिला देर रात से चल रहा है और जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे थे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, उन्होंने कहा, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसका बखूबी निर्वहन करूंगा, एकरूपता की तरफ आगे मैं बढ़ता रहूंगा, जो जिम्मेदारियों से मुझे नवाजा गया है उसको मैं आगे बढ़ाता रहूंगा, उपलब्धियां विश्वास बनाना पहली प्राथमिकता डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की। वहीं अब सीएम हाउस पहुंचे हैं, मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हो रही है। प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस की कुमारी शैलजा, वो भी सीएम हाउस में मौजूद हैं। तो आज कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पाटन विधानसभा क्षेत्र, जहां पर बूथ मजबूत अभियान लगातार कांग्रेस कर रही है, और उसी कड़ी में आज आगामी कार्यक्रम तय किए गए हैं। लेकिन उसके पहले मुलाकात करने के लिए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सीएम हाउस पहुंचे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से तो सरगुजा संभाग से आते हैं टीएस सिंहदेव, लगातार काम कर रहे थे सरगुजा संभाग की 14 सीटें 2018 में कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी, और यह भी कहा जा रहा है कि वो साधने की कोशिश एक बार फिर से, कांग्रेस हाईकमान ने जो निर्णय लिया है डिप्टी सीएम के पद से उन्हें नवाजा। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह से बात करें आप, लगातार पल पल की अपडेट हम आपसे ले रहे हैं। आज सुबह से जिस तरह से एयरपोर्ट पहुंचे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, उसके बाद लगातार अब उनका काफिला सीएम हाउस पहुंचा है, क्या जानकारी? देखिए, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने पहुंचे हैं, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार टीएस सिंहदेव, उनकी मुलाकात भी हुई मुख्यमंत्री के साथ, और सौहार्दपूर्ण वातावरण में किस तरह से आगामी रणनीति होगी, कहां कहां किस तरह से कार्यक्रम होंगे, इसको लेकर बातचीत जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ आज सुबह जब हमने घोषणा पत्र को लेकर भी टीएस सिंहदेव से पूछा, तो उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि आने वाले समय में किस तरह से काम होगी इसकी रोडमैप बनाकर वे बताएंगे, और साथ ही साथ जिन वादों को पूरा करने की बात अब तक कह रहे थे कि अगर वे पावरफुल होते तो करते, तो कहीं ना कहीं करने को लेकर भी मुख्यमंत्री से चर्चा होगी ऐसा माना जा रहा है। चूंकि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी यहां पर मौजूद है, इसलिए यह जो मुलाकात है वो स्वयं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें आज बूथ चलो अभियान से लेकर सत्ता और संगठन की जो रणनीतियां हैं वो भी तय की जाएंगी। बिल्कुल, सत्ता संगठन की रणनीतियां तय की जानी है, और ये भी आपसे समझना चाहेंगे गौरव, अब क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं? ये कहा जा रहा था कि पाटन भी जाएंगे, तो अब से कितनी देर बाद निकलेंगे, क्या तैयारियां हैं, कौन कौन मौजूद रहेगा, किस तरह का होगा ये कार्यक्रम? देखिए, आज कांग्रेस के बूथ चलो अभियान का दूसरा दिन है। आज बस्तर संभाग के बाद में दुर्ग संभाग को लिया गया। दुर्ग संभाग में आज प्रदेश के सारे बड़े नेता जो हैं वो विधानसभाओं में जाएंगे, और इसे संयोग ही कहा जाए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन में टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहली बार अगर किसी क्षेत्र में जाएंगे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्षेत्र में जाएंगे, और साथ ही साथ अलग अलग स्थानों की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को दी गई है। दुर्ग ग्रामीण की जिम्मेदारी खुद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद दुर्ग ग्रामीण के लिए रवाना होंगे। बालोद में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जाएंगे, साथ ही भिलाई में कुमारी शैलजा जाएंगी। तो इस तरह से अलग अलग विधानसभाओं की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को दी गई है। अब से कुछ देर बाद ही यहां से रवाना होंगे मुख्यमंत्री निवास से, सब नेता अलग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस